अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नहीं जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी, कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा। कार्तिक बेटा, ये अंकल आपसे मिलने आए हैं। वणक्कम बोलो। वणक्कम अंकल। कुछ ऐसा ही अब महसूस दिल को हो रहा है, बरसों के पुराने जख्म पे मरहम लगा सा है, कुछ ऐसा है इस लम्हे में, ये लम्हा कहाँ था मेरा। अब है सामने इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियां चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। आपको ना अंकल। बाबा। बाबा। आपका बाबा। आपके अप्पा का दोस्त हूँ मैं। मेरे अप्पा का दोस्त? मैंने तो आपको कभी नहीं देखा। पर मैंने तो आपको देखा है, तो आप इतने छोटे थे, लेकिन आप देखो कितने बड़े हो गए हो। सालों के बाद देख रहा हूं ना, जी भर के देख लेने देना। ओके बड़ा, ये चोट कैसे लगी? ये चोट नहीं है, ये तो सिर्फ निशान है, ये तो मेरे बचपन से है। बचपन से? हाँ। ये निशान उसे बचपन से है? हाँ, जब पैदा हुआ था तब से मार के। तो जब इसे यहाँ लेकर आए थे तब... मैंने बोला ना, जब ये पैदा हुआ था तब से ये मार के। ओके, सॉरी। पापा, मैं 12 दिन मैच चल रहा है, मैं जाऊँ। बाय अंकल। बाय। ये मार्क तब से है जब आप उसे यहाँ लेकर आए? अर्थ मार्क अर्थ से ही होता है सर। हम अभी आपको दिखाता है, रुकिए। ये देखिए, ये जिस दिन हमने इसको अडॉप्ट किया था उसी दिन का फोटोग्राफ है। देखो उसके हाथ पे मार्क है। जब आप उसे गोद लेने गए थे तब उसका नाम मास्टर वीनू था। हाँ, इसके हाथ पे एक ब्रेसलेट था, उस पे वीनू लिखा हुआ था। ब्रेसलेट? वो ब्रेसलेट दिखा सकते हैं आप मुझे? हम जब ये ब्रेसलेट देखा तो हमको लगा कि उसका अम्मा अप्पा उसको वीनू ही बुलाता होगा। क्या हुआ सर? आपका कार्तिक मेरा बेटा वीनू नहीं है। आर यू श्योर सर? जी, क्योंकि मेरे बेटे वीनू के हाथ में ऐसा कभी कोई बर्थमार्क नहीं था, और ना ही बचपन में हमने उसे ऐसा कोई ब्रेसलेट पहनाया था। हमारे वीनू का नाम विनायक था, प्यार से वीनू बुलाते थे हम उसे। इस पर तो वीनू गोपाल लिखा है। तब वो सोशल वर्कर ने मुझसे कहा कि बच्चे का नाम मास्टर वीनू था, तो मैं इतना खुश हो गया कि मैं उसे पूछना ही भूल गया कि वीनू नाम है तो क्यों है, मतलब कैसे नाम रखा गया उसका, ये मतलब पूरा नाम उसका विनायक है या कुछ और, ये पूछना भूल गया। सॉरी, वेरी सॉरी, मेरी वजह से आपको इतनी परेशानी हुई। पर एक बात तय है कि ये मेरा वीनू नहीं है, पर आपका बेटा
बहुत प्यारा है। पापा करे कि वो हमेशा खुश रहे। हम भी मुरुगन से प्रार्थना करेगा कि आपको आपका बेटा जल्दी मिले। आप भी। थैंक यू। वैसे साहिबा, हमारे बारे में तो सब कुछ जान लिया तुमने, अब तुम्हारे बारे में भी तो बताओ, कौन कौन है तुम्हारे घर में? मम्मी है, पापा है, ताई जी है, दो बहनें हैं, एक बड़ी एक छोटी, मैं मंझली बहन। साहिबा, बड़ा ही प्यारा नाम है तुम्हारा, लेकिन इस नाम का मतलब क्या है? पंजाब की ना एक मशहूर लव स्टोरी है मिर्जा साहिबा की, पापा को वो नाम अच्छा लगा तो मेरा नाम साहिबा ही रख दिया। तो साहिबा जी, आपका भी कोई मिर्जा है? नहीं नहीं, मेरी जिंदगी में कोई मिर्जा नहीं है। अरे कोई है तो आप मुझे बता सकती हो, मैंने भी तो आपको अपनी बातें बताई। रब दी सौ नहीं है, कोई होता ना तो मैं पक्का बताती। और वैसे भी अभी मुझे अपना नाम बनाना है, पूरी दुनिया में ना अपने आर्ट को फैलाना है, मशहूर करना है, अपने मम्मी को, अपने पापा को, बहनों को एक अच्छी जिंदगी देनी है। और जैसे आपने अपने दम पर खुद को बनाया है ना, वैसे ही मुझे भी खुद को बनाना है। चलो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिंदगी में किसी के आ जाने से हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते या अपना मुकाम नहीं हासिल कर पाते। अब मुझे ही देख लो, मेरी शादी डॉक्टर बनने से पहले हो गई थी, और अगर मेरे हस्बैंड मेरी जिंदगी में नहीं होते तो शायद मैं डॉक्टर बन ही नहीं पाती। डॉक्टर बनने के सपना पूरा करने में सबसे बड़ा हाथ मेरे हस्बैंड का ही था,